नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर में चेकिंग के नाम पर रिश्वतखोरी करने वाला सिपाही कैमरे में कैद हो गया। सिपाही चेकिंग के दौरान पकड़ी गई बाइक को छोड़ने के एवज में 50 रुपए की रिश्वत ले रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने सिपाही को पॉइंट से हटाकर विभागीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। शिंदे की छावनी इलाके में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक सिपाही बाइक छोड़ने के एवज में 50 रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में ऑटो पार्ट्स की दुकान पर खड़े सिपाही को एक हाथ से पैसे लेकर जेब में रखते हुए और दूसरी जेब से चाबी निकालकर लड़के को देते हुए आसानी से देखा जा सकता है। कल उसमें तो पहले तो संबद्ध कर दिया गया है और इसके अलावा जो उसमें विभागीय कार्रवाई है वो उसमें की जा रही है और इस तरह की कोई भी घटना किसी के भी संज्ञान में जो कि हमें रिपोर्ट करे अधिकारियों को, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिपाही लड़के को ये भी कह रहा है कि जल्दी भाग जा, यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही मामले की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुँच गई, जिसके बाद सिपाहियों को पॉइंट से हटाकर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान रिश्वत लेने वाला सिपाही होमगार्ड सैनिक हरिराम है। वीडियो वायरल होने के बाद उसे पॉइंट से हटाकर विभाग भेज दिया गया है और होमगार्ड कमांडेंट को सिपाही पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।